दिवाली से पहले न्यूयॉर्क में रह रहे भारतीयों को बड़ी सौगात मिली। बता दें 2023 से हर दिवाली पर पब्लिक स्कूलों में हॉलीडे होगा, जिसका ऐलान मेयर एरिक एडम्स ने किया। ये ऐलान करते हुए एरिक एडम्स का कहना था कि ये फैसला शहर को एक खास संदेश देगा। A day that we can use to have this important holiday, a Diwali holiday, without our young people missing days of school in the process. दरअसल ये फैसला भारतीयों की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि ये मामला करीब 2 दशक से लंबित पड़ा था। फिलहाल दिवाली पर छुट्टी का ऐलान होते ही हर तरफ खुशी की लहर है। तो वहीं दिवाली की छुट्टी का ऐलान करते हुए एरिक एडम्स का कहना था, ये बच्चों को फेस्टिवल ऑफ लाइट के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करेगा। न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक स्कूलों में दिवाली को छुट्टी घोषित करने के माध्यम से उन अनगिनत लोगों को एक जोरदार और स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं जो इस उत्सव के समय को स्वीकार करते हैं। साथ ही यह एक शैक्षिक क्षण है, क्योंकि जब हम दिवाली को स्वीकार करते हैं तो हम बच्चों को दिवाली के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। वहीं ये फैसला आने के बाद भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने एडम्स को धन्यवाद दिया और साथ ही कहा है, भारतीय अमेरिकी समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग थी। ये सम्मान न्यूयॉर्क शहर में विविधता और बहुलतावाद को गहरा अर्थ देता है, जबकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को भारतीय लोकाचार और विरासत का अनुभव करने, जश्न मनाने और आनंद लेने की अनुमति देता है। इन सब के अलावा मामले में पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला राजकुमार ने कहा कि इतने हुए गर्व हो रहा है कि हमारा समय आ गया है। रोशनी का त्योहार दिवाली मनाने वाले हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों के 2 लाख से अधिक न्यूयॉर्कर को मान्यता देने का समय आ गया है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में न्यूयॉर्क में रहने वाले हजारों भारतीयों को देखते हुए दिवाली पर स्कूल की छुट्टी घोषित करने की मांग बढ़ रही थी, जिसके बाद आखिरकार प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा।